ऐसे ही वीर सपूतों के लिए, ऐसे ही वीर सपूतों के लिए राजस्थान की भूमि के ही एक कवि नारायण सिंह भाटी ने लिखा है, और यहीं की बोलचाल की भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे सह इतिहास, इन जैसी सह पीढ़ियां, प्राची तणे प्रकाश, प्राची तणे प्रकाश। यानी अपने वीर सपूतों के बलिदानों पर ये धरती गर्व करती है, आसमान गर्व करता है, और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। जब जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर अंधकार को भगाने के लिए अवतरित होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। साथियों, हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो, या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं, तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। उन्हें आपकी अजेयता पर, आपके अपराजेयता पर गर्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न अब टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों ना गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने
दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता कर